डी यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखिए यहाँ पे डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटाबेस क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया डेटा बेस के ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में मल्टीपल डेटा अवेलेबल होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है एम्प्लॉयज से रिलेटेड डेटा है फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा है या फिर टॉप मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन है उससे रिलेटेड डेटा है तो ये जो डेटा है इन डेटा को जो है एक जगह स्टोर किया जाता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं और उस डेटा बेस को मैनेज करना ही क्या कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस क्या है एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए रिट्राइव करने के लिए और डिफरेंट क्वेरीज को रन करने के लिए ऑन डेटा डेटा को स्टोर करना है डेटा को रिट्राइव करना है डेटा को एडिट करना है डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज किया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटा को यह मैनेज करता है क्लियर तो डीबीएमएस क्या है आर सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू स्टोर रिट्राइव एंड रन क्वेरीज ऑन डेटा ज मैंने कभी एडिट करना है सम करना है एवरेज निकालना है इन सबसे चीजें रिलेटेड क्वेरीज डेटा पे अप्लाई किया जाता है किसके थ्रू डीबीएमएस के थ्रू अलग अलग डीबीएमएस अवेलेबल है जैसे ओरेकल है माई एस क्यू एल है एसक्यू एल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये सब क्या है ये डीबीएमएस है और इन सब का सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटाबेस मैनेजमेंट किया जाता है तो ए डीबीएमएस सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन एन एंड यूजर एंड अ डेटा तो डेटा और एंड यूजर के बीच में भाई एंड यूजर यानी कि जो यूज करना चाहता है डेटाबेस को तो डेटाबेस को यूज करके करोगे डेटाबेस को स्टोर कैसे करोगे डेटाबेस को रिट्राइव कैसे करोगे तो उसके लिए क्या है आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो वही चीज डीबीएमएस वहां पर आता है डीबीएमएस उसी में आपको हेल्प करता है एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द एंड यूजर एंड डेटाबेस अलाउंग यूजर टू क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट डेटा इन द डेटाबेस तो डेटाबेस में कोई भी चीज क्रिएट करनी है कोई नई फाइल डेटा तैयार करनी है कोई रीड डेटा रीड करना है कोई डेटा अपडेट करना है चेंज करना है या फिर कोई डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए आपको एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है और उस इंटरफेस को हम डीबीएमएस कहते हैं तो ये क्या है एक कंप्यूटराइज डेटा कीपिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर का यूज करके यहां पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो डेटा को एडिट कर रहे हो डेटा को अपडेट कर रहे हो डेटा को डिलीट कर रहे हो डेटा को रिड्राइव कर रहे हो क्लियर तो सॉफ्टवेयर टूल टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा इन डेटाबेस क्या है एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके जो है आप वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हो कि पे डेटाबेस में जो डेटा है उस पर तो डीवीएम क्या है प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस डेटा बेस क्रिएशन स्टोरिंग डेटा अपडेटिंग डेटा है टेबल इन डीबीएमएस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगर किसी भी डेटाबेस के मल्टीपल यूजर है तो यहां पर डेटा अलग अलग ना हो आप भी एक स्टूडेंट बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल कहीं से कर रहे हैं, वहीं पे कहीं दूसरा भी बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल एंटर कर रहा है तो रेडेंडेंसी ना हो जाए या फिर डेटा मिसमैच ना कर जाए तो उसके ऊपर भी जो है ये ये कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है तो नाइनटीन में चार्स बैचमैन थे उन्होंने जो है पहला डीबीएमएस सिस्टम डिजाइन किया था क्लियर तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया आप समझ गए होंगे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एक सॉफ्टवेयर है एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है डेटाबेस क्या है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ़ डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेटा होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करना उनको कलेक्ट करना उनको स्टोर करना उनको रिड्राइव करना उसमें एडिट करना उसमें अपडेट करना इन सब चीज़ों के लिए क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है माई एस क्यू एल एस क्यू एल ओरकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये सब क्या है ये डी एम एस सी है जो कि डेटा को मैनेज करने में डेटाबेस को मैनेज करने में ल्प करते हैं और डेटाबेस को मैनेज क्यों किया जाता है जिससे कि उसका डेटा जो है मल्टीपल लोग यूज कर सके ले सके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अब बात कर लें कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस की यानी कि DBMS में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहला है यूजर यूजर यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है जो एप्लीकेशन को डेवलप करता है एंड यूजर जो डेटाबेस को यूज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो डेटा को मैनेज करता है जो एडिट करता है डिलीट करता है अपडेट करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है एंड यूजर भी कह सकते हैं आप उसको ये लोग है, ये यूजर होते हैं ठीक है दूसरा सॉफ्टवेयर भाई डी बी एम एस का एक सॉफ्टवेयर है बिना सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन के आप स्टोर नहीं कर पाओगे मैनेज नहीं कर पाओगे रिट्राइव नहीं कर पाओगे डेटा को तो डेटा को अगर एडिट करना है डिलीट करना है डेटा क्रिएट करना है डेटा स्टोर करना है रिट्राइव करना, करना है तो उसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो सॉफ्टवेयर वहीं पर तीसरा है हार्डवेयर आप डेटा स्टोर कहाँ करोगे उसके लिए डेटा को इनपुट कैसे करोगे डेटा को कमांड कैसे दोगे डेटा में कमांड कैसे दोगे सॉफ्टवेयर को कि जो है डेटा uh, चेंज हो जाए या डेटा आपको जो चाहिए वो आप सर्च कर लो कैसे करोगे हार्डवेयर का यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नेटवर्क डेटा स्टोर कहां करोगे स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क जो होता है तो आप हैं इसमें डेटा स्टोर इस करते हो तो हार्डवेयर भी क्या हो गया कंपोनेंट हो गया डीबीएमएस का इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज डीबीएमएस का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है डेटा भाई डेटा ही के लिए तो सारी चीज किया जा रहा है तो डेटा क्या है डेटा भी एक कंपोनेंट है डीबीएमएस का डेटा स्टोर इन द डेटा बेस न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल और लॉजिकल डेटा तो डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है हो सकता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है वो अल्फाबेटिक या कैरेक्टर के फॉर्म में हो या हो सकता है वो लॉजिकल डेटा वहां पर अवेलेबल हो तो डिफरेंट प के डेटा होते हैं और उनको जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और डेटाबेस में स्टोर करने के लिए डेटा को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हार्डवेयर चाहिए होता है और एक यूजर चाहिए होता है तो यही जो है कंपोनेंट होते हैं डीबीएमएस के क्लियर तो होप आपको क्लियर होगा कि क्या क्या डीबीएमएस होता है और क्या कंपोनेंट है डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप डेटाबेस में डेटा को मैनेज करते हो उसको एडिट करते हो उसको रिट्राइव करते हो उसको स्टोर करते हो और डीबीएमएस में चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं यूजर होता है सॉफ्टवेयर का यूज होता है हार्डवेयर का यूज होता है और डेटा जो है जिसको आप मैनेज करते हो वो चीज इन्वॉल्व होती है अब बात कर लें एडवांटेज की तो एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या हो सकते हैं तो देखिए सबसे पहले चीज की कंट्रोल डेटा बेस रिटरसी यानी कि जब आप डेटाबेस को सही तरीके से मैनेज करोगे ना तो कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा बार बार सेम डेटा नहीं आपको दिखाई देगा इट कैन कंट्रोल डेटा रिटरडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डेटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इज प्लेस्ड इन द डेटाबेस तो यहां पर क्या है हर एक टाइप के डेटा को एक सिंगल डेटाबेस फाइल में जो है सेव किया जाता है और उसका डुप्लीकेशन रुक जाता है रिटर्डेंसी नहीं होती दूसरा है डेटा शेयरिंग यानी कि अगर आप डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो आसानी से जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आप डेटा जो है शेयर कर सकते हैं या फिर एक जगह से लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इन डीबीएमएस दथोराइज यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा अमाउंट मल्टीपल यूजर आपको किसी आपको कोई डेटा जो है मल्टीपल यूजर्स को शेयर करना है तो आपने उस डेटा को डेटा में डाल दिया डेटा से बहुत सारे लोग जो है जो जो अथोज यूजर होंगे वो उस डेटा को यूज कर सकते हैं इजिली मेंटेनेंस आसानी से जो है आप डेटा को यहां पर मेंटेन कर सकते हो क्योंकि सेंट्रलाइज होता है और जो है डेटाबेस सिस्टम सेंट्रलाइज होता है मेंटेनेबल होता है सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है और आसानी तो लेकिन आप जो है कंप्यूटर शेयर कर रहे हो तो वहां पर आपका जो है टाइम रिड्यूस होता है डेवलपमेंट इट मेंटेनेंस नीड बैकअप यहाँ पर जो है अगर आपका मशीन आपका डेटा जो है वो हार्डवेयर जो है वो खराब हो जाता है तो उसका बैकअप भी जो है ले लिया जाता है तो इट प्रोवाइड बैकअप एंड

डेटाबेस से मल्टीपल यूजर्स जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अब बात करें डिसएडवांटेज की तो एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भाई डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे हार्डवेयर चाहिए तो यहाँ पर क्या है कॉस्टली होता है यहाँ पर आपको जो है पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे तो ये कॉस्टली हो गया दूसरा साइज यहाँ पर प्रोसेसर की भी रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसर हो गया लार्ज मेमोरी या जो कि स्टोरेज डिवाइस हो गया इन सब चीज़ के लिए जो है पैसे लगते हैं साइज साइज की बात करें इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम एफिशिएंटली तो यहाँ पे साइज भी काफ़ी बड़ा होता है बड़े बड़े मॉनिटर्स बड़े बड़े जो है हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियोर यहाँ पे क्या है कि अगर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया डेटा या हार्ड डिस्क जो है कहीं पर क्रैक हो गया या फिर जो है एरर आ जाता है तो उस केस में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है किस पे ऑर्गेनाइजेशन पे फेलियोर इज़ हाईली इम्पैक्टेड द डेटा बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस एंड इफ द डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटाबेस करप्शन देन द डेटा में बी लॉस्ड फॉर एवर तो यहां पर यह चीज भी इसका भी रिस्क होता है और इसका यह डिसएडवांटेज है कि एक ही जगह पर सारा डेटाबेस अगर स्टोर होगा और वहीं पर कुछ खराबी हो गई तो फिर वह पूरा इसका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा तो तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को जो है डेटा का नुकसान हो सकता है उनके हाथ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो लॉस हो सकते हैं क्लियर अब बात कर लें एप्लीकेशन ऑफ डी की यानी कि डीएमएस का यूज कहां कहाँ होता है तो आपने इसका जो है यूज हर सेक्टर में देखा होगा बैंकिंग में देखिए तो कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो गया अकाउंट एक्टिविटीज हो गई कि आपने कहाँ से पैसे निकाले कितना पैसा निकाले पूरा डेटा वहाँ पे शो होता है पेमेंट हो गया कि आपने कितना पेमेंट किया क्या डिपोजिट किया कितना लोन लिया पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आप आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए देख सकते हैं फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए देख सकते हैं एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया शेड्यूल इंफॉर्मेशन हो गया सारी चीजें एयरलाइंस में हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया कोर्स का रजिस्ट्रेशन हो गया कॉलेज और उनके ग्रेड्स हो गए टेलीकम्युनिकेशन में आप कॉल रिकॉर्ड हो गया मंथली बिल हो, हो गया जो भी बैलेंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए फाइनेंस में देखेंगे तो वहां पर स्टॉक सेल्स परचेज ऑफ फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन सबसे रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाता है सेल्स में देखें तो वहां पर कस्टमर प्रोडक्ट और सेल्स इंफॉमेशन से रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो सप्लाई चेन हो गया उसको ट्रैक करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ आइटम को ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्रीज का स्टेटस जानने के लिए वेयर हाउस में उससे रिलेटेड डेटा हो गया एचआर में बात करें तो एम्प्लॉई उसकी सैलरी पेरोल डिडक्शन या जो भी पे चेक हुए हैं इन सबसे रिलेटेड जो है वहां पर डेटा स्टोर किया जाता है तो डीबीएमएस का यूज इन हर सेक्टर में यूज होता है तो डेटा क्या है डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वहां पर जो है डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए जो है डीबीएमएस जो कि सॉफ्टवेयर टूल है उसके यूज करना पड़ता है तो डीबीएमएस क्या है एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है विश्वास